भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज एक अचानक वाला ट्रिप बना है, ट्रिप है सपट का। थोड़ा सा हमने कहा कि पहले फ्यूल डलवा लें क्योंकि आगे फिर रुकना नहीं है। गाड़ी तो निकल गई है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। सफर का इतनी दूर बाद जो है ना मजा आ गया, जब साइड पे पहुंचे जो मौसम जो सनसेट देखने को मिला। भाई रोजा तो खुल गया है, टेंट भी लग गए और सामान भी थोड़ा काफी सेट हो गया। थोड़ा सा देखते हैं फिशिंग के लिए कौन सी जगह बेटर है। यहाँ पे जो बेस्ट सक्सेसफुल बेट होता है ना वो होता है यहाँ के क्रैब और यहाँ के जो सीशेल्स होते हैं। यहाँ से थोड़े से हम जो कलेक्ट करेंगे और फिर उस पे फिशिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए सीपियां मिलती हैं पत्थरों में से, सीपियों के अंदर से जो कीड़ा निकलता है उसी के ऊपर जो शिकार यहाँ पे होता है। मछली तो लगना शुरू हो गई है लेकिन अभी साइज छोटा है, तो अभी ये छोटे साइज जितने भी आ रहे हैं हम इनको रिलीज कर रहे हैं। अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने फिशिंग थोड़ी सी ट्राई करी थी लेकिन पानी भी चढ़ गया और ऐसा सच कोई स्ट्राइक हो भी नहीं रही, तो अब हम थोड़ा बॉनफायर करेंगे और थोड़ा बैठेंगे क्योंकि पूरा दिन आज जो है सफ़र करा है तो इस वजह से थकन हुई है थोड़ी और रोज़ा भी था सबका, तो अब थोड़ा बैठेंगे। लेकिन ये है कि बॉन फायर के लिए पहले थोड़ी सी लकड़ी ढूंढ ली जाए। यहाँ पर ये लोग जब तक किचन सेटअप अपना सेट कर रहे हैं, चूल्हा वूल्हा जला कर चेक कर रहे हैं, फराज भाई हैं औरंगजेब भाई हैं, हम लोग चलते हैं और हम लोग ढूंढते हैं लकड़ी। भाई सीन ऐसा हो गया है कि हमारा चूल्हा जो है ना कुछ गड़बड़ कर गया और मैं और औरंगजेब भाई कंटिन्यूस लगे हुए हैं उसमें, हो ये रहा है वो जल तो रहा है बर्नर उसका, ये बर्नर जल रहा है लेकिन ये कि इसमें जो है ना गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, फ्लेम नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा भी खाना गर्म कैसे करें या चाय वाय कैसे बनाएं। तो सारे ये कि हम लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से इसका फ्लेम ठीक हो जाए। हाँ भाई मिली कोई लकड़ी वकड़ी? मिली हाँ यार, ये थोड़ी सी मिली पड़ी हुई। अच्छा उसकी लकड़ी थी, जाने काम आ जाएगी। चलो वो लोग जीएम लोग लेकर गए क्या लकड़ी? आगे लेके गए, आगे हम लोग बस पीछे रह गए थे। चले चले बस फिर ये लकड़ी लेकर चलते हैं। चले गुड। हमारे स्टोव का जो फ्लेम है वो हमने सही कर लिया, तो अब इंशाल्लाह ये कि हम अपना खाना वाना गर्म करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। चाय बन चुकी है, बॉनफायर हो रही है वहाँ पे। यार चाय तो दे दें, यहाँ पर चाय बन रही है। चक्कर में ज़्यादा हो गई ना उसकी। जज़ाक। ज़बरदस्त यार। भाई ढाई बज गए और थोड़ा थोड़ा सो लिए हैं और अब सहरी का वक्त हो गया है। औरंगजेब भाई कैंस बॉईल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बॉईल हो रहे हैं। तो बस ये कैंस बॉईल हो रहे हैं और फिर उसके बाद हम सहरी करेंगे, फिर एक ट्राई और फिशिंग के लिए और फिर वो ट्राई हमारी जब तक चलेगी जब तक हम यहाँ से अपने टेंट्स जो है वो पैक नहीं करते। तो ज़रा सहरी कर लें फिर उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। ये सारा सामान हम लोग
समेट देना ताकि फिशिंग के बाद आकर हम यहाँ से सिर्फ अपने टेंट्स पैक करें और फिर जाएं। यहाँ पर जितने भी किनिकर्स या बीच गोअर्स या एंगलर्स आते हैं तो उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि यार यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जो है मैस किया हुआ है, इस मैस को अपने साथ जो है लेके जाएं और ये देख रहे हैं ये हम जो है ना ये साथ सब कुछ चोरने उठा के अपने साथ वापस लेके जाएं। लेकिन अभी पूरे दिन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने कचरा कर लिया जो नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह जो कचरा करेगा वो कचरा हो जाएगा। थैंक यू। यार ये जो नाइट बॉटम की डोर करना ये अपना गेम नहीं है यार, अपना भी ऐसा ही है कुछ तो। इस वजह से ना यार मैं तो रात को चिल कर रहा हूँ, ऊपर सितारे पूरा जो है आसमान स्टार्स से भरा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा है, सामने लहरें और मेरी मूवी चल रही है, मैं बहुत चिल कर रहा हूँ। हमारा कचरा जो हमने कल से अब तक करा था और ये हम साथ लेकर जा रहे हैं। आ जाए चले। तो जनाब ट्रिप हो गया है एंड और रोज़े में ट्रिप करा है तो लक पता गया है, लेकिन यह है कि मज़ा बहुत आया क्योंकि आप लोग को पता है कैंपिंग में हमेशा बहुत मज़ा आता है। तो अब घर जाने की तैयारी है, वापस दोबारा से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है और फिर इंशाल्लाह चंद्रगुप्त के पास से पक्का रोड है, फिर वहाँ से जो है हम सीधा मकरान कोस्टल हाईवे जाएंगे। तो आप लोग से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम।